दोस्तों, इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा चलाने वाले मशहूर कांता प्रसाद जी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने। दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले कांता प्रसाद जी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। 17 जून को ये पुलिस को ये कंप्लेन मिलती है दिल्ली पुलिस को कि एक 80 साल के व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो फिर पुलिस मौका है वारदात पे पहुंचती है और देखती है, जांच करती है, और पुलिस को पता चलता है कि वे कांता प्रसाद जी है, बाबा के ढाबा चलाने वाले। इसके बाद कांता प्रसाद जी को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा आईसीयू में भर्ती थे और फिलहाल डॉक्टर ने कहा है कि बाबा खतरे से बाहर है। तो ये अच्छी खबर है कि बाबा फिलहाल खतरे से बाहर है। इसके साथ ही दिल्ली के डीसीपी अतुल ठाकुर ने कहा है कि कांता प्रसाद जी ने पहले तो शराब पी और उसके बाद भारी मात्रा में उन्होंने नींद की गोली ली। इस बात की पुष्टि की है कांता प्रसाद जी के बेटे खुद। उन्होंने इस बात को कहा है कि बाबा ने पहले शराब पिया, खूब शराब पिया, और उसके बाद उन्होंने नींद की गोली लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कांता प्रसाद जी की पत्नी कहती है कि कांता प्रसाद जी कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थे और टेंशन में लग रहे थे, तनाव में थे। तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये वीडियो भी देखा होगा कि बाबा गौरव वसंत से मिलते हैं अपने ढाबा पर और बाबा उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में बाबा की सुसाइड करने की कोशिश की वजह तो सामने नहीं आया है। तो फिलहाल आपका इस मामले में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी इस मामले में अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।